نحمدہو و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ہر دم خدا نو یاد کر उम्र न अपनी बर्बाद कर मरण तो पहला यह जिंद आजाद कर गल सुन मेरी है बेखबर ना वेख पराइया चोपड़िया ते ना तरसा जी जदों तू अखियां मीट गया दस बंदिया तेरा की कर गौर मेरी बात पर कर नजर अपनी जात पर कुछ दिन यहां मुलाकात कर सब अंबिया जाते रहे हर चीज कदर उदों पांदी है जदों निकल हत्थां विचों जांदी है तेरी उम्र भी घटदी जांदी है अनेक कमाया अज वक्त है पाक औजात जिसने बगैर थम्मां दे आसमान नूं छत बनाया पाक औजात जिस पानी दे उत्ते मिट्टी दा बिछाउणा बिछाया दोस्तों जरूरी नहीं है कि हर बंदे बुढ़िया होके मरना है जरूरी नहीं है कि हर बंदे ने बीमार होके मरना है मरना जरूर है टाइम दा पता किसे नूं नहीं ये हर बंदा समझदा है कि इत्थे नहीं रहना लेकिन इतना गौर नहीं करता कन्ना तक महदूद रखिया है कि एक दिन मर जाना कन्न हैं गुलाम चुपड़ा सी अखां चुपड़ा सी हाथ पैर चुपड़ा सी मन बादशाह मन मालिक है कान की सुनी हुई गल तो बंदा अमल नहीं करता जेड़ी दिल दिया कन्ना नाल सुनदा ना तो उन्दे ते अमल करता मन दे इर्द गिर्द शोर है खाशां दा जरूरतां दा हसद दा उन्दे तक गल पहुंचदी नहीं शोर है उन्दे कोल वो तो सुनता नहीं
जदों सुनेगा वो किमें सुनेगा। जेड़े लोग आते ने कि बजुर्गों को जाओ, बजुर्गों के बगैर बंदा नमाजी नहीं बन सकता, पीर के बगैर नमाजी बन सकता, पीर के बगैर दाढ़ी भी रख लेंगे, पीर के बगैर दौरा हदीस भी कर लेंगे, पीर के बगैर हाजी भी बन जाता, पीर के बगैर हाफज भी बन जाता, पीर के बगैर औलाद भी हो जाती, पीर के बगैर शफा भी हो जाती। हुण भला सोचो कां पीर किस वास्ते फिर पकड़ना। असी तो इन्हां चीज़ां वास्ते पीर पकड़ने, सानू तो पता ही नहीं भी पीर किस वास्ते पकड़िया जाता, ना सानू ये पता भी पीर हुंदा की हो जाए। आ जी साडा जद्दी पीर है, आ जी पीर दा पुत्र है, पीर है, ये सारियां चीज़ां गलत ने। बजुर्गी कोई विरासत थोड़ी हुंदी, हाजी दा पुत्र जमदा ही हाजी हुंदा, हज करेगा तो हाजी बनेगा, भावें हाजी का पुत्र है। डाक्टर का पुत्र जमदा डाक्टर तो नहीं होंदा ना, जे वो डाक्टरी सीखेगा तो ता ही डाक्टर बनेगा। दर्जी का पुत्र जमदा दर्जी तो नहीं होंदा, दर्जी का काम सीखेगा तो दर्जी बनेगा। इंजी पीर का पुत्र जमदा पीर नहीं हुंदा। पीर हुंदा कौन है? क्या पीर दा तलक जातां नाल हुंदा? हाजी केड़ी जात दा बन सकदा है? डाक्टर केड़ी जात दा बन सकदा है? थानेदार केड़ी जात दा बन सकदा है? हुण तुहाडे ज़हन च गल आई, इत्थे जातां दा तलक तां कोई नहीं, जिहड़ा कोर्स कर लवे वो बनेगा। पीर भी जातां नाल नहीं हुंदा, जिहड़ा कोर्स कर लवे। अकरमको मिंद अल्लाह तका, अल्लाह ताला फरमांदे ने मेरे नज़दीक बजुर्ग वो है जो मुत्की और परहेजगार। खलाफे पैगंबर कसेरा गुजीर, कि हरगिज़ ब मंज़िल न खाहत रसीद। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने जिहड़ा शरीयत दे खिलाफ हो वो कदे भी बजुर्ग नहीं बनता, उन्हों बजुर्ग नहीं समझो, भावें थानू हज़ार शोभदाबाजियां भी खा दे। दोस्तों कुर्बे क्यामत है, दजाली दौर है, दजाल दा रस्ता हमवार करन वाले काफ़ी लोग निकले हुए ने, लेकिन अल्लाह दे बंदे भी मौजूद ने। सानू पहचान होनी चाहिए, जिंदा कुरान हदीस ते अमल ना होवे वो थानू उड़ के भी दसे, अग भी खा लवे, सुके पैरी नदियां च भी लंघ जावे, पर होवे कुरान हदीस दे खिलाफ, उन्हों कदे बजुर्ग ना समझो। कोई आउंदा है थोड़ा वेड़ा पुटा के तवीज़ पुट लेंदा है, कोई आउंदा है थोड़ा कपड़ा फंडदा है ते विचों तवीज़ निकल आउंदे, कोई आण के ते हाजरी लेंदा है ते जिन कटदा फिरदा। इन्हां चों किहड़ा तरीका जिहड़ा नबी करीम वाला तरीका है? सरकार मदीना इंज करदे आ, किसे सुहाबी ने इंज कीता? या जितने काम लीन गुजरे ने, दाता साहब बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह, शेख अब्दुल कादर जिलानी महबूबे सुबहान, हजरत सुल्तान बाव पीर मेर अली शाह साहब अलीपुर शरीफ वाला, ये इंज करदे आ। अजकल तलीम तो ज़्यादा हो गई, लेकिन वो चीज़ तो नज़र नहीं आती जिहड़े अज तो 50 साल अनपढ़ बंदियां विच हुंदी है। किसे बुढ़े बंदे को पुछो कि तू प्यो को डरदा है कि नहीं डरना,
पढ़िया कोई नहीं, आखदा मैं डरदा। हुण तू एम ए कीता है तो तेरा प्यो तेरे को डरदा, वो तेनू हलाल खवांदे आ, उन्हें सुनिया कि हलाल खाना चाहिए, मुर्गी हलाल करवांदे आ, छुरी हाथ च हुंदी है, मुर्गी कच्छ च हुंदी है, सारा पिंड फिरदे आ, कौन हलाल कर लवेगा? अजकल भी कदे वेख्या कोई फिरदा कि मैनू मुर्गी ज़िबा करा दे? ते जे जीरो मीटर गड्डी होवे ते नहीं काला पाउंदे रहो, फिर गड्डी दा कसूर की? गड्डी फिर सही चलेगी? जदों खुराकां सही नहीं रही, वो बजुर्ग जड़े ने वो कामयाब हो गए, जेड़े ये चीज़ा सिखाते हैं, जिन्होंने खुदा पावर दिती होंगी है, जेड़े चोरों को कुत्ता बनाते हैं, कंजरिया वली अल्लाह बना देंदे हैं, बेनमाजिया तहजत गुजार बना देंदे हैं, अज वो कई गद्दिया से जाके वेख लवो, अज उत्थे खुद लोग नमाज नहीं पढ़ते, दुकानदारियां चलदियां पईयां ने, अमीरां मुरीदां की कदर की जाती है, गरीबां नूं पुछया नहीं जाता, कुत्ते ते रिछ पे लड़ाउंदे ने, औरतां तों लत्तां पे घुटाउंदे ने, भंग ते चरस पे चलदा है, कि इह उहनां नूं तों बजुर्ग समझ के जावेगा, फिर तैनूं फायदा हो जाएगा? नहीं दोस्तो, फायदा नहीं। पीर क्यों पकड़ना है? पीर की हो जा हो, कम अज कम सानू ये मसला तो आना चाहिए, अन्नी पीदी पई है, कुत्ते खांदे पै, तू अपने पीर की तारीफ पै करना, दूआ अपने की पै करदा? पीर तो ही हुंदा जेड़ा पीर हुंदा, डिग्री वह हुंदी है जेड़ी कुरान शरीफ की डिग्री हो, जेड़ी हदीस की डिग्री हो, दुनिया डिग्रियां गलत हो सकदियां ने, कुरान की डिग्री गलत नहीं होंदी, हदीस की डिग्री गलत नहीं होंदी, जिसनू कुरान आखे वली वह वली हुंदा है, जिनू हदीस आखे वली वह वली हुंदा है, तेरे मेरे आखण नाल कोई वली नहीं बनदा, वो इंज जिवें तुहाडा हुण सारा पिंड किसी अनपढ़ बंदे नूं आखे एम ए, ये एम ए तुहाडे आखण नाल एम ए बन जावे, जब तू है ही अनपढ़। इस तरह जिहड़ा पीर है ही नहीं, लोग उहनूं पीर आखदे वी रवण तो पीर नहीं बनदा। खलाफे पैगंबर कसेरा गुजीर, कि हर किस बमंजल न खाहत रसीद, जिहड़ा कुरान हदीस तो बाहर होवे कदे बजुर्ग नहीं बनता। पीर दियां त्रै निशानियां याद रखो, अनपढ़ बंदा भी वेख लवेगा। नंबर एक, शरीयत दा पाबंद हो। नंबर दो, बेतमा हो। नंबर त्रै, किसे बजुर्ग दी उहनूं खिलाफत हो। कई बजुर्ग भी दसते हैं कि चार चीज़ा उसका अकीदा भी सही हो, तो जिन्हों बजुर्ग खिलाफत देता है ना, वो सही अकीदे वाले नूं देता है। इस वास्ते त्रै चीज़ा गिण छड़ने, शरीयत दा पाबंद, बेतमा, तो जिसनों किसी बजुर्ग खिलाफत दिती होवे वो बजुर्ग होता है। अच्छा, पीर पकड़ना क्यों है? पीर पकड़ना जरूरी है? हाँ भी जरूरी है, उंझ अपनी अपनी समझ आती है, कोई बंदा कुछ सोच लेंदा है, कोई कुछ सोच लेंदा है, साड़ी समझ इंज गल करती है, बहस नहीं। तुसी फिर गौर कर लिया, सूरत फातिहा
सारे मुसलमान पढ़ते हैं, ये पढ़ के वेखो, उनका तर्जमा करो, थानू मालूम होगा कि अल्लाह खुद की सिखाता है। अल्लाह हर चीज़ ते कादर है, अल्लाह जो चाहता हो जाता है। अल्लाह नबी क्यों बना, वो तो जो चाहता हो जाता है, वो तो हर चीज़ ते कादर है। अल्लाह ने नबी क्यों बना, लोड़ है इन्हें नबियों की तां बना, तो फिर सारे बंदियां च क्यों बनाए, कोई जिन्ना में नबी है, कोई फरिश्तियां विच, ना जिन्ना विच ना फरिश्तियां विच, सारे नबी बंदियां विच ने। हुण सूरत फातिहा पढ़ो, अल्लाह ताला फरमांदे ने इहदिन सिरातल मुस्तकीम, इहदा तर्जमा की है, या अल्लाह जिहड़ा मैनू आउंदा है, तुसीं भी दस्या है, या अल्लाह सानू विखा सिद्धी राह। तर्जमा इंज ही है, अल्लाह तो हिक है, तो ये किहड़े अल्लाह नूं आउंदा पिया, ये कलाम अल्लाह का या गैर अल्लाह का। सूरत फातिहा अल्लाह का कलाम, ते तर्जमा इंज ही है। हुण गौर करो ना, ये केड़ा अल्लाह है जेड़ा किसे अल्लाह नूं पे आखदा है, या अल्लाह सानू विखा सिद्धी राह। अल्लाह नूं सिद्धी राह दी की जरूरत, जो अल्लाह करदा वो सिद्धा ही हुंदा। ते नमाज दे विच खड़ो के पियांदे, ये नमाज तां अगे सिद्धी राह नहीं, सिद्धी राह केड़ी है, अल्लाह ताला फरमांदे ने सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, रस्ता उन्हां लोकां दा, अल्लाह दा पे लोकां दा रस्ता पुछदा पे अल्लाह, या अल्लाह सानू सिद्धी राह विखा, ते राह उन्हां बंदियां दी जिन्ना उत्ते तू इनाम कीता है। अल्लाह आंदा पे केड़े अल्लाह नूं आंदा पे, ये सानू सिखाउंदा पिया है। ऐं जाखो, इंदा मतलब ये है कि बंदियां दे रस्ते ते चलो जेड़े मेरे सालहीन ने, नबी ने, शहदा ने, अल्लाह दी जात दसदा पिया है। पर इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने तराए इनाम अल्लाह दी जात ने वड्डे वड्डे रखे ने, इनाम तो अल्लाह दे बड़े ने ना, लेकिन तराए इनाम इस सब तो वड्डे, पहला इनाम नबूवत दा, ओ इनाम हुण खत्म हो गया है। मेरे आका तो पिछे जेड़ा भी दावा करे कि मैं नबी हाँ, वो झूठा है, जेड़ा उन्हों मन्ने वो भी झूठा है, धोखे वेचे, वो इनाम हुण नहीं। दूसरा इनाम इमाम गजाली फरमाउंदे ने वो वलायत है, वली ए, इनाम है अल्लाह दी जात दा, जिन्नू चाहता है बना लेंदा है वली। मेरे दोस्त, ते वली दी निशानी की है, अल्लज़ीना आमनु व कानू यत्तकून, वली वो होते हैं जो ईमानदार होते हैं और गुनाह नहीं करते। ये हुण वेख लो अपने अंदर, जे तू गुनाह नहीं करता तो ये दूसरा इनाम तेरे ते हो गया, ते जे गुनाह करना है तो फिर इनाम कोई नहीं होया। नमाज पढ़ लेना है, तहज्जुद पढ़ लेना है, पर गुनाह तू नहीं बचना है। हजरत सुल्तान बाहू फरमाते ने नू नमाजा पढ़ना काम जनाना, जनाना समझते हो ना, औरतों का काम,
नहर जन जन नस्त नहर मर्द मर्द खुदा पंजगश्त यकसन कर। सारिया औरतां औरतां नहीं हुंदियां ते सारे मर्द मर्द नहीं हुंदे। तरीकत च मर्द किनू आखदे ने? तरीकत च मर्द उन्नू आखदे ने जिहड़ा गुनाह ना करे। जिवें हज़रत अबू हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह अपने मुरीदां नू फरमाउंदे ने, ऐ मुरीदो मर्द बनो। उन्हां कहा, या हज़रत असीं अगे ही मर्द हैं। आपने फरमाया, नहीं मर्द बनो। या हज़रत मर्द किवें हुंदे ने? आपने फरमाया, मर्द वो हुंदा है जिहड़ा 60 सालां तक खब्बे फरिश्ते नू लिखण वास्ते कुछ ना देवे। खब्बा फरिश्ता की लिखदा है? गुनाह लिखदा है। 60 सालां तक ना देवे, 60 सालां तो पिछे गुनाह की ताकत ही घट जाती। एक महीना रोज़ा बंदा रखता है ना, तो 6 महीने तो पिछे भी भुलेखे पाते रहते। जे 60 साल गुनाह नहीं करेगा तो फिर किवें करेगा? मर्द उन्हूं आखदे ने जिहड़ा गुनाह ना करे। असीं भी इंज ही आने आए, जिहड़ा मुकाबला ना करे वह मर्द तो नहीं होंदा। जिहड़ा दुश्मन दे हथियार सट देवे उन्हूं मर्द आखदे नहीं, जिहड़ा मुकाबला करे वह मर्द होंदा। जिहड़ा नफ्स का मुकाबला करदा वह मर्द होंदा है। ते जे मर्द बनना होवे फिर ये किताबां पढ़ के मर्द बन जाएगा नहीं? मिर्जा कादियानी बड़िया पढ़िया किताबां, इबने सका बड़ा पढ़िया, फैजी ते फ्याजी बड़े आलम हैं, कारून हाफज भी आते आलम भी आ। नहीं दर्जी बनना होवे तो दर्जी कोल बाणा पौंदा, मर्द बनना होवे तो मर्दां कोल बाणा पौंदा। यक जमाना सोहबते बा औलिया, बेतरद सर साला तात डेरिया। शेख साजी रहमतुल्ला अलैह फरमाते ने, मैं हमाम विच नावण गया तो उत्थे खुशबू आ रही, मैं इधर उधर वेखा खुशबू के शायद मैनू थोड़ी जी मिट्टी नज़र आई। मैं मिट्टी उठा के सूंघी तो खुशबू उन्दे विचों आ रही। मैं मिट्टी नूं पुछया, ऐ मिट्टी मैनू तो तू मिट्टी मालूम होनी, ये खुशबू तेरे विच कित्थों आई? मिट्टी आखदी है, बेशक मैं ना चीज़ मिट्टी हाँ, पर कुछ अरसा मैं गुलाब दे बूटे दी सोबत कीती है। पास जा मस्तों के कर देंगे ना मैं तो बू सही, गर बू भी न हासिल ते काफी है दीदार भी। मस्तां कोल जा, वो तेनू तुहीद दी शराब पिला दे। अगर तू ना पी सकिया तो खुशबू आ जावे। जे रूहानी नज़ला होया खुशबू भी ना आई, उन्हां दा वेखना ही काफ़ी है, गुनाह जड़ जावणगे तेरे। उन्हां कोल बैठिया कर, अल्लाह दे बंदे तलाश करो। मुक जाने आए काम नहीं हो मुकणे। बुल्ले शाह फरमाते ने, तोए मुक जाना है, ये काम तो मुकने को नहीं। तेरा बाप भी करदा करदा मर गया, मगर तू भी करदा करदा पूरी ते पौनी को नहीं। इस खाने नू कबर दी मिट्टी पुर करना। तो दोस्तों, पीर क्यों पकड़ना? इन चीज़ों वास्ते तमा मिटा दे, सीने चू हसद कट दे, तकबर कट दे, रियाकारी कट दे, नफरत कट दे। वे ए तो ओ गंद ने जिथे गंदगी होवे, जेडे भांडे विच गंदगी हो उन्दे च तुसी दुध पाओ, गंदगी पाक हो जावे, नहीं दुध भी खराब हो जावे। जेडे सीने विच ये गंद हुंदा है ना, लालच, हसद, तकबर, रियाकारी, नफरत, ये गंद है। अगर इन दे विच किसे इलम डाल भी दिया, वो दुध खराब हो जावे,
उनकी तकरीर नाल बच्चे तो यतीम हो सकते ने, उनकी तकरीर नाल औरतां बेवा तो हो सकदियां ने, उनकी तकरीर किसी बेनिमाजी नूं निमाजी नहीं बना सकती। दुध खराब हो गया, पहले भांडे नूं साफ करो, फिर पाइया दुध भी विच रखोगे तो साफ रहेगा। कर साफ तू वेड़ा दिल दा, फिर वेख सज्जन घर मिलदा। पीरां कोल दोस्तों इस वास्ते जाईदा, दूर गश्ती अज हजूरे औलिया, दर हकीकत दूर गश्ती अज खुदा। जेड़ा खुदा दियां वलियां कोल दूर रहिंदा, हकीकत विच ओह खुदा कोल दूर रहिंदा, पर उन्हां दी आड़ विच हजारों रहजन फिरते हैं लिबासे खिजर में। कितने डाकू लोग ना लिया कि मैं बाबा मैं पीर हाँ मैं फलाना, बेशुमार लोग उन्हां दे मगर लग जाते। किसी आण के आख्या मैं थानू पैसे डबल कर देना, अकल कम ना कीता कि वह बेवकूफ है, मैं जो कर लेंदा हूँ। हर बंदा अपने दिल तो पुछो, असी जो कर लेंदे हो ये डबल, असी लोगों को करके देने, असी तो आप ही करते रहांगे ना, लेकिन किसी की अकल काम ना की। दोस्तों जेड़ा भी शोभदाबाजी विखावे उस तो बचो, मेरे आका की तलीम ते चलो, घर विच भी फायदा, हर तरीके विच फायदा ही फायदा है। जो मेरे आका ने दसिया उन फायदा। एक बजुर्ग नमाज पढ़ के बैठा, एक बंदा आन के कोल रोवन लग पे सवेरे सवेरे। उस आख्या अल्लाह के बंदे की गल है, क्यों रोंदा पे? उस आख्या जी थोड़िया दिनों च मेरे इतने डंगर मर गए, छोटे छोटे बच्चे ने, तंग दस्ती बड़ी, हुण तो मैं जिंदगी कोलों भी तंग। वेखो बजुर्ग ने तवीज़ नहीं दिता, और जिहड़ियां कुरान ते हदीस दियां गल्लां ने उन्हां ते तेरा यकीन नहीं आउंदा। ना काले रंग का बकरा लगता, ना पैसा लगता, सवाब तो है ही ना। वेखो उस बजुर्ग ने की फरमाया, बजुर्ग फरमाया तेरा माँ प्यो जीउंदा? उस आखिया जी प्यो मर गया है, माँ जिंदा है। बजुर्ग फरमाया उनकी खिदमत की कर। आखे जी वो मिथु वख रही। बजुर्ग फरमाया किसी होर पिंड च रही? आंदा नहीं जी, उत्थे ही असां विचों कद की हुई दीवार। मेरिया भैणां उनकी खिदमत कर जांदियां ने, ते मैं नहीं जा सकता। बजुर्ग फरमाया अल्लाह दे बंदे आ, जाके माँ को माफ़ी मंग, ते माँ को दुआ करा, ते तेरिया सारिया परेशानियां हट जाऊँ। हो गया, अपनी बीवी नू नाल ले लिया, आपदी माँ को जाके माफ़ी मंगदा। माँ ने आख्या पुत्र ये तेनू किवें ख्याल आया इतने साल बाद, किवें ख्याल है? वो आंदा मैं एक बजुर्ग कोल गया, तो बजुर्ग मैनू आख्या कि माँ की खिदमत कर, तो अल्लाह राजी होवेगा, तो तेरी इशारे सारिया परेशानियां हट जाए। वो माई आखदी है सच वादे अल्लाह दे ने, मैनू एक बजुर्ग ने जिक्र दिता। उस आख्या जिक्र कर, ये तेरिया सारिया परेशानियां हटा देवेगा। आज तीसरा दिन ने मैनू जिक्र कर दी, तो मैनू भी तो परेशानी होंगी है, इन्हें मेरा बच्चा मैं बुलाऊंदा ही नहीं, जिंदा मैं जिक्र करनी हाँ। उस अल्लाह ने तेनू मेरे को ले आना, जिक्र करन नाल परेशानियां दूर होंदियां ने, जिक्र करन नाल मुरादा पूरियां होंदियां ने। औलाद कौन देंदा है? शफा कौन देंदा है? रोजी कौन देंदा है? हर मुश्किल दी कुंजी यारो हाथ वलियां दे। एक नौजवान बच्चा गैर मुसलम,
मुसलमान होया। मेरे बुजुर्गों ने उन्होंने दिल से उंगल ला के दसिया अल्लाह 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 ये पढ़िया, वो पढ़न लग पे पूरा पिंड उनकी इज्जत करे, उनके ना प्यार करे। वो वडेरा उस पिंड का पुछदा है बेटा की गल है, लोग तेरी बड़ी इज्जत करन लग पे। वो बच्चा दसदा है भी जे कागज से अल्लाह लिखिया होवे ना तो लोग उस कागज़ की भी इज्जत करते हैं, तो मेरे तो दिल से किसे लिख छड़िया अल्लाह। ये उस नाम की इज्जत होंदी है दोस्तों। असीं तुहानूं एक वजीफा दसने हैं, कोई भी परेशानी करके वेखो, खर्चा तो कोई नहीं, सवाब तो है, काम में हरज भी कोई नहीं, औखा भी कोई नहीं। जे कुरान ते हदीस नाल साबित ना होवे ते ना करिया। मेरिया बजुर्गों ने मैनू इजाजत दिती है वे तुसी हर एक नूं दस छड़िया करो, साड़ी तरफों इजाजत है तुसी उन्हां नूं दस छड़िया करो। मेरे बजुर्ग वो बजुर्ग ने जेड़े पिंड च रहिंदे ने, पूरे पिंड च बंदा बेनिमाजी कोई नहीं, औरत बेनिमाज कोई नहीं, औरत बेपरदा कोई नहीं। दस साल का बच्ची बच्चा उत्थे तहज्जुद की नमाज नहीं छड़दा। हाँ हुण कितने बच्चे मेरे नाल गए हैं, वेख के आए ने, हर साल जाते हैं, अगे पिछे भी जाते रहते। पूरे पिंड में हुक्का सिगरट पीवन वाला कोई नहीं, दाड़ी मुन्ना कोई नहीं, हर एक दी दाड़ी मुट्ठी भर है जिहड़े उत्थे रहिंदे। जदों अजान हुंदी पूरा पिंड बाजमात नमाज पढ़ता, उन्हां दा कोई झगड़ा कोई नहीं, कोई लड़ाई कोई नहीं, हेक कौम नहीं, लेकिन मुहब्बत उन्हां दी भाइयां तो वध के। ये भाइयां वाली तो गल ही बनी हुई है, हुण जितनियां दुश्मनियां भाइयां दी हैं इतनियां तो किसी दी हैं नहीं। माँ बाप नूं चंगिया ना समझना, भाई भाई नूं चंगिया नहीं समझना, वड्डियां दा अदब एहतराम है ही कोई नहीं। बाप नू खाश रन दिए मेरा पुत्र मेरे को आण के बह के गल तो सुने, पुत्र अपनी चुदराहट च रहिंदा, पुत्र अपने अपने कम्मां च रहिंदा, कल इस बुढ़िया आना इहदियां पुत्रां इवें कर लैंदे ने, फिर इहनू पता लगना है कि मेरे बाप का दिल इंज करदा हुंदा हा, की फायदा उसी। फिर कबर ते जाके रोवेगा, अज जिउंदा है उन्हों खुश तो करदा नहीं, पिछे पूरे पिंड की रोटी ठाक छड़ी, उन्हों की फायदा, वो तो तू अपने नक नूं करदा है। अज उन्हों कदे पुछे आपा किसे शायकन दिल लई, उन्हों किसे ले दबावन लग पवे, उन्दे कोल चार मिनट बहवे आ, उन्दी मर्ज हट जावे कि मेरा पुत्र चंगा हो पे। पुत्र तवज्जो ही ना देवे ते बाप नू ए भी तो रोग लग जांदा। मेरे आका ने फरमाया, ए मन दियां कन्नां नाल सुनिया, मेरे आका ने फरमाया जिस बंदे वेखना होवे कि मेरा अल्लाह राजी है कि नाराज है, वो अपने बाप नू वेख लवे। अगर उनका बाप राजी है तो मैं अल्लाह राजी हूं, वो कसम भी उठा देवे ना, उनकी कसम सच्ची होवे। बाप तो दोस्तों इवें राजी हो जाए, तेनू अल्लाह ये तो नहीं आख्या शरीक नू राजी करके आ, वो बाप नू आख्या सो ना, ते तेनू क्यों नहीं समझ आउंदी कि खुदावंद करीम धक्के नाल तेरे नू राजी होऊए। वरना वो आंदा सस नू राजी करके आ, अपने महल्ले दे चौधरी नू राजी करके आ, वो तो खबारे ना राजी होवे ना, ते बाप तो तू जदों बोलना है तो उस राजी हो जा। अल्लाह तेनू बख्शना चाहता जे तेरा भी इरादा होवे तो माँ की खिदमत करो। अंग्रेज दे पुत्ते नवा के तो खुश रहिंदा बंदा, माँ बाप की खिदमत करन लगे शर्म आउंदी है। माँ दे पैर हेठ जन्नत है ना भाई, ते तेनू चुमन लगे शर्म आवे। जिस बजुर्ग का मैं थोनों वाकया दसिया है ना,
उनके पिंड कोई बेनमाजी नहीं, वो जदों बाहर तबलीगी दौरे से जाते ने तो माँ के पैर चुम के जाते, जदों दौरे तो वापस आते ने 10 दिन 15 दिन महीना लग जाता है तो पहले अपनी माँ को जाते हैं, अपनी माँ के पैर चुमते हैं, माँ को दुआवां लेंदे ने। दोस्तों जो एडिया हस्तियां मावां के पैरों से डिगदियां ने, तैनू तो मैनू क्यों शर्म आती। उन्हां बजुर्गों का दस्या वजीफा है, वो सिख लो तो करिया जे, मुरीद जिथे दिल है उत्थे होवो, अगे हो बिशक उत्थे रहो। हमारा मकसूद पीरी मुरीदी नहीं, हमारा मकसूद खिदमत खलक पैगामे मुहब्बत है। अगे तू अपने पीर दे भी करता रहा वजीफ, हुण साडा दस्या भी करके वेख लो, थोड़े दिन फैसला तू करी, तू आप दसेंगा कि पावर हाउस वड्डा किहड़े पासे। इत्थे खब्बे पासे दिल है, अगर घरां विच बीबियां माइयां बैणा सुणदियां होवन तां मैं इजाजत देवण लगा, सारिआं नूं इजाजत है। इत्थे दिल हुंदा खब्बे पासे, उंगल नहीं रखनी, ख्याल रखना। वुज़ू होवे भावें ना होवे, बंदा पाक होवे या ना पाक होवे, काम करता होवे या वेला बैठा हो, अपने दिल च पढ़ना अल्लाह 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 दा नाम दिल में। जिवें प्यास लगी होवे बंदा जबान नाल पानी 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 नहीं आखदा, लेकिन ख्याल तो पानी वाली होंगे। इस तरह इनू ख्याल विच पढ़ना अल्लाह 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 अल्लाह, थोड़े दिनों में अल्लाह की मेहरबानी नाल अपने आप चल पवेगा। जदों चल पवेगा फिर यह बंद नहीं होगा। इनका फायदा यह होगा मौत आसानी दी आवे, कबर में तकलीफ नहीं होगी, क्यामत वाले दिन बगैर हिसाब के जन्नत जाने, कितनी बड़ी बात है। और ये किसी आम किताब का वाकया नहीं, ये कुरान हदीस दियां गल्लां करके वेख ला कितना खर्चा आवेगा। तेरे नसीब गुना पैसे दे के करना है, नेकियां मुफ्त भी नहीं करता। ये फिर नसीबां की गल, दाड़ी रखण ते कितने पैसे लगते हैं, मुनामण तो लगते हैं, सिगटां ते तो पैसे लगते हैं। अपने हाथों नाल अग लाउंदा आंदा मेरे जिहड़ा सियाणा ही, बेरोजगारी महंगाई का दौर है, केड़ा औखा हो के तू पैसा कमाउंदा, फिर अपने हाथों नाल ही अग लाउंदा। बच्चों के घर जुत्तियां आ सकदियां ने मैने दी सिगटां, घर सब्जी के पैसे देवण लगे लड़ाई पाउंदा, आंदा तू बे फजूल खर्च ही बढ़ी, तू फजूल खर्च नहीं। अपना गुनाह कदे नहीं किसी ने नजर आया दोस्त, सिगटां तो परहेज करो, नशियां नाल जिंदगियां तबाह हो गई, मावां रोंदियां रोंदियां कबरां में चलियां गई। कितना अच्छा मजहब है इस्लाम, जिंदे विच सारियां गल्लां खुदा ने दस छड़ियां, मेरे आका ने दस छड़ियां। उन्हां कम्मां ते चलोगे तो फायदा होगा, उन्हां नूं छड़ देवोगे तो नुकसान होगा, परेशानियां वधणगियां। खुदा दे वलियां कोल जाके बनने हैं, उत्थे साड़ियां परेशानियां भी मुड़ जांदियां। उन्हां नूं कितना सुकून हुंदा होए, उन्हां दा अमल है कुरान हदीस। अल्लाह करे तू अच्छा डॉक्टर बन, मना नहीं, अच्छा इंजीनियर बन, पर नाल नाल अच्छा मुसलमान भी बन। ओ कितने शौक है बंदे ने, माँ बाप भी जे डॉक्टर बन जाए तो मुबारक, इंजीनियर बन जाए मुबारक, तो जे बच्चा कोई दाढ़ी रख ले बिरादरी भी वैर पै जाती, महल्ले वाले भी तू होने की बाबा बन गए,
कोई जरूरी तो नहीं है कि तो बुढ़िया होके मरना, की पता कदों मौत आ जानी। ये जिक्र करया करो बेटा, एक जांदा जांदा एक दो गल्लां तुहानू होर दसा जिहड़ियां दी बहुत जरूरत है। जदों फोन सुनदे हो तो हैलो ना आख्या करो, वुजू करके भी हैलो आखोगे तो एक नेकी भी नहीं, बगैर वुजू दे भी असलामु अलैकुम आखो 10 नेकियां ने। मरना नहीं, कब्र च लोड़ पवेगी। और ये जिहड़े इत्थे बैंक च पए ने ते नहीं काम आउणे, ये नेकियां काम आवणगियां। हैलो दी बजाय असलामु अलैकुम आख्या करो। दूसरी अरज है, गुजारिश, अपने मां बाप नूं आखो शादी जिथे भी करवानी है ना साडी, तुसां असां जहेज नहीं लैना। शेर किसे दी मारी हुई नहीं खांदा हुंदा, गिदड़ां दा काम हुंदा किसे दी मारी हुई खाणा। अपनी मर्जी नाल कोई देवे। एक लड़के नौजवान ने साडी ये गल सुनी, ओ बच्ची आले जहेज देवन ते वो लवे ने, फिर वो मेरे को पुछण आए। मैं आख्या भी अपनी शौक नाल कोई देवे ना अपनी बच्ची नूं ते मना नहीं। जिहड़ियां असीं डिमांडा करने आं, जिहड़ी वो 10 बंदे आंदे ने असीं 100 लेके जाने आं, ये जुलम है। उन्हां नूं पहले दिन ही पता लग जांदा इंसान नहीं है ये, जिन्हां नाल साडा वास्ता पिया जानवर ने। किसे ले बरात जाओ, जितने वो आखे उस तो थोड़े बंदे लेके जाओ। वलीमे तो रोटी खवा लख दू कि लोगों के घरों पालने ने। दोस्तों पढ़े लिखे बच्चे हो, केड़ा जुलम है, ज्यादती है, महंगाई का दौर है। जिस बंदे दियां 2-3 बच्चियां ने, एक बच्ची वाले नूं नींद नहीं आउंदी पई, वो आंदा मैं किवें दे हाथ पीले करांगा। फिर बरात वाले दिन उन्दे साह सुकदे रहिंदे ने, बरात आउंदी पई है, या अल्लाह इज्जत रखी, बरात आउंदी पई है, इंजे जिवें कोई बाहर ले आउंदे पए। कितना बेचारा परेशान, उन्हूं इंज मालूम होवे ये तो बड़े मुसलमान अच्छे इंसान है, उन्हूं जाके आखो भाई परेशान ना हो, ये जेड़ा कुछ पक्या है उन्हें इंशाल्लाह वधेगा। असां इंज करके दस्या भाई, एक जगह ते ना वो मेरे मुरीद दी शादी गई, उस मैनू भी आख्या कि जंजल मन आके फिर बाजियां बूजियां दे, उस आखा मैं नहीं ले जांदा। ठीक है, जिन्ना ले शादी आई ना वो बजुर्गों नूं मनदे भी ना, बाजे बूजे तो असीं कौन लै गए, तो उस बंदे जिन्हों मिले मेरी जंज नाल चलनी, उत्थे 25 आख आया। वो बंदा कोई 100-150 हो गए। जिस वेले असीं उत्थे गए तो वह बेचारे परेशान, मैं तो मसीते बैठा, वो 2-4 बंदे लगे आए तो मसीते आण के मेरे नाल लड़न लग पए। ये तुसां पीरां बेड़े गर्क कर छड़े, तुसीं मुरीदां नूं इहो तलीम देंदे हो। मैं आख्या जी होया की, सानू ये 25 बंदे दस गया, आ भला वेख कितने लेके आ गए। हुण मैं परदा तो पाउणा मुरीद ते, मैं आख्या शायद मैनू सुन के आ गए होवन, तुसीं सानू 25 दा दे छड्डो, हो सकता मैनू सुन के बंदे आ गए। उन्हें आख्या तुसीं आ सारा ले लो, इन्हां नूं पूरा कर लो। खुदा दे फजलो करम ना दोस्तों, एक देग भी ना खत्म हो, सुन्नत तरीके नाल खादा जावे तो बरकत पौंदी, जे डंगरां तरह खाओगे तो किवें बरकत पावे। हुण इत्थे अपने दिल तो पुछ लव्या है, अगा अमल करिया है। घर विच बच्चे कट्ठा नहीं खांदे, एक प्लेट लेके वखरा हो जांदा, दूसरा वखरा हो जांदा, मुहब्बत किवें बढ़ेगी। कट्ठे खाया करो, कट्ठे पैना बिरा कट्ठे खाया करो। एक तो खाने च बरकत होंगी, एक मुहब्बत इजाफा होंगे।
ये जिहड़े सियाणी उम्र के बंदे बैठे ने इन्हां नूं पता होना एक एक खूह हुंदा पिंड च सारा पिंड उत्थों पानी भरदा सारे पिंड का कितना सलूक हुंदा हुण कितने नलके ने एक घर वखरे वखरे पानी पीने वखरे वखरे खाने दिल भी साडे वखरे वखरे हो गए जिहड़ी तलीम साडे नबी दी है उंदे उत्ते दोस्तों अमल करो उंदे नाल फायदा होवेगा घर में बरकत होगी परेशानियाँ दूर होवनगियां जिन्ना बच्चियां दोस्तों ने यह प्रोग्राम कराया है उन्हां वास्ते भी दुआ है जिन्ना शिरकत की उन्हां वास्ते भी दुआ है दूसरा सुनन दा हक इंज हुंदा है जिवें तुसीं सुनिया है अजकल तो हालात ही बदले हुए ने मौलवी नूं तो बोलण ही नहीं दिंदे नारे ते नारा नारे मैं नारियां दे खिलाफ तो नहीं हाँ पर मकसद तो फौत हो जाता ना जलसे का जिहड़ी गल दसनी सुनैनी समझैनी होंदी वो हुंदी कोई नहीं ते नारे ते नारा तकरीर तो अगे पिछे मार लवीए तो फिर की सजदा साहब पै जांदा विच ही बोलना हुंदा है तो ये अच्छी बात मैनू तो नहीं लगती कि विच किसी की गल टोकी जाए तो चंगी लगती आंदे ने माफ करना मैं तेरी गल टोकी है तो मौलवी ने तो 50 वारी टोक छड़ दे अल्लाह ताला सानू अपने नबी दे तरीके से चलन दे तौफीक अता फरमावे जिन्हां दोस्तों ने दुआ वास्ते परची कीती या जिन्हां ने भी परची भेजी किसी नूं भी कोई तकलीफ है किसी की भी कोई मुश्किल है दोस्तों अल्लाह दिलां नूं जाणदा जदों आपां सारे हाथ उठावांगे हो सकदा तुहाडी दुआ नाल खुदा मेरी मुश्किल आसान कर दे ये जरूरी नहीं होंदा कि जिहड़ा उच्चा बैठा होंदा वो चंगा होंदा कख काना उत्ते होंदा हीरे मोती तो हेठा होंदे हो सकदा है कोई हेठा ऐसे बंदे बैठे होंदे ने जिन्हां दा रुतबा बहुत होंदा है जिहड़े अपने आप नूं कुछ नहीं समझदे तहज्जुद भी पढ़दे ने तो रोंदे पए ने मुसल्ले ते ते पिंड वालियां नूं पता ही कोई नहीं ना उन्होंने कोई हाथ चुमदा है ना उन्होंने कोई हजरत आखदा वो केडे छुपे रुस्तम ने सारे रल के दुआ मंगी है सारे इंशाल्लाह अल्लाह मुरादा पूरियां करे बिस्मिल्लाह रहमान सैयदना मौलाना मोहम्मद बेरहमत।